के बाद नक्सलियों ने जब जवाब दिया तो माकूल जवाब हमारे जवानों ने दिया। 32 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, 28 के शव बरामद किए गए। दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर बॉर्डर पर यह जबरदस्त एनकाउंटर हुआ। इसके अलावा जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है बहुत हैरान कर देने वाली जानकारी है, मौके से AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियार, SLR और कई हथियार बरामद किए गए हैं। नेंदूर थुलथुली के जंगल में मुठभेड़ ये हुई है, एनकाउंटर हुआ है। और इसके अलावा 32 का आंकड़ा भी जो आ रहा है, ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, यानी कि हमारे जवानों ने एक बड़े नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। नक्सलियों की मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और दंतेवाड़ा और नारायणपुर का बॉर्डर का इलाका पड़ता है और फौज अब जिस प्रकार के ऑपरेशन करती है, जब जानकारी मिलती है, जब हमारे सुरक्षा बल के जवान जब खबर पर पहुंचते हैं, सर्च ऑपरेशन पर निकलते हैं, तो पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं और बड़ी संख्या में ये जवान जो हैं वो सर्च ऑपरेशन पर निकलते हैं। यहां से भी ऐसी जानकारी सामने आई कि बड़ी संख्या में नक्सली यहां पर मौजूद थे और आमना सामना हो गया, गोली चली तो उसके बाद माकूल जवाब दिया गया। दिनेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं क्या बड़ी जानकारी, क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, क्योंकि 32 के अलावा यह आंकड़ा बढ़ सकता है। दिनेश, ये बड़ी खबर और ये बड़ा नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन। जी हाँ, मैं बताऊं कि जो नारायणपुर और दंतेवाड़ा का सरहदी क्षेत्र में जो मुठभेड़ हुई है, उस मुठभेड़ में 30 से अधिक यानी कि 32 नक्सलियों के मारे जाने की अभी तक पुष्टि हो चुकी है। हालांकि इसका आंकड़ा 32 से पार भी जा सकता है और जो सुरक्षा बल के जवानों ने सर्चिंग के दरमियान 28 बॉडी को रिकवर भी किया है और कुछ SLR और AK-47 जैसे हथियार भी बरामद किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इस साल का सबसे बड़ा जो मुठभेड़ की तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें 100 से अधिक नक्सली उस एरिया में मूवमेंट कर रहे थे। ऐसी जो सूचना तंत्र को खबर मिली थी, सुरक्षा बल के जवानों ने तालमेल बैठाल के सूझबूझ से इनको घेरा, चारों दिशाओं से घेराबंदी करके ताबड़तोड़ इनके ऊपर फायरिंग की और दोनों ओर से चली फायरिंग में जो नक्सली हैं वो लगभग 32 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें 28 को पुलिस ने रिकवर कर लिया है और अभी भी सर्चिंग जो अभियान है तेज कर दिया गया है। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो ये बड़ी सफलता के रूप में देखी जा रही है, CM साय ने भी इस सुरक्षा बल के जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें शाबाशी दी है और बैकफुट पर नजर आ रहे हैं नक्सली, कहीं ना कहीं जो नक्सलियों को एक बड़ा नुकसान हुआ है और इस नुकसान से बैकफुट पर नक्सली नजर आ रहे हैं और ये कई ऐसे नक्सली जो आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये नतीजा दिख रहा है जो नई सरकार आई है। इस नई सरकार में जो नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया चारों दिशाओं से, चाहे बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, तो ये सफलता के तौर पे इसको देखी जा रही है जो सर्च अभियान के तौर पे। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता और बहुत बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल ये अभियान कहा जा सकता है। और आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजधानी रायपुर से जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास भी चलते हैं। वहाँ पर भी सरकार ने पीठ थपथपाने का काम किया है, क्योंकि खबर ये भी आ रही कि एनकाउंटर हुआ आकाश, और हमारे जवान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। 32 से ज्यादा संख्या हो सकती है, जानकारी जो हमारे सहयोगी दे रहे हैं दिनेश, उन्होंने बताया कि 100 के करीब यहां पर नक्सली उनका जमावड़ा था, तो यानी कि एक बड़ी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन जवाब दिया गया, 32 नक्सली ढेर कर दिए। जी बिल्कुल, अब तक 32 नक्सली ढेर हो गए, उसमें 28 के 100 बरामद हो गए हैं और अभी भी आगे ये नक्सलियों का जो आंकड़ा है मारे गए नक्सलियों का वो बढ़ सकता है। जिस तरीके से हमारे साथी ने बढ़ाया कि 100 से ज़्यादा नक्सली वहां आसपास थे और बड़ी ये घटना हो सकती थी, लेकिन पुलिस बल ने जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया सफलतापूर्वक, कितने सारे नक्सलियों को एक साथ मार गिराए, कहीं ना कहीं बड़ा घटनाक्रम जो है वो रुका हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 9-10 महीने में जो ये सरकार है लगातार जिस तरीके से नक्सली मोर्चे पर काम कर रही है, अभियान चला है, तो
सबसे बड़ी एक सफलता इसको मान सकते हैं। अभी तक के जो सबसे ज़्यादा नक्सली मारे गए का आंकड़ा जो है वो इसी घटनाक्रम में हुआ। इससे पहले कांकेर में 29 नक्सली मारे गए थे पिछले समय जो मुठभेड़ हुआ था उसमें। तो ऐसे में आंकड़ा बड़ा है और बड़ी सफलता है जिस तरीके से चल रहा है अभियान, नक्सलवाद के खिलाफ मुहिम चल रही है, एक तरीके से नक्सलियों को घेरने की कवायद है और घेराबंदी किस तरीके से सीमावर्ती इलाकों में घेराबंदी की कवायद उनके हर एक आर्थिक से लेके जो भी उनके और सामान है उनको भी घेराबंदी करके तोड़ने की एक तरीके से कवायद दिख रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विजन साफ तौर पे नजर आ रहा है, नक्सल मूवमेंट के खिलाफ वो नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि लगातार सरकार की तरफ से ये पूरी कार्रवाई जो है अंजाम दी जा रही है और नक्सल का खात्मा करना है। सरकार ये कहती है कि मुठभेड़ हम नहीं चाहते, आप मुख्य धारा में लौट आइए, लेकिन जो नहीं आएगा और जो साजिशें बुनेगा, जो लगातार विकास की राह में रोड़ा बनेगा, तो फिर उसका सामना बंदूक से भी होगा। ये भी बात कही गई सरकार।